एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं AWL के ऊपर, अदानी विल्मर लिमिटेड शेयर पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें लास्ट के कुछ घंटों में हमें तेजी देखने को मिली, स्पाइक देखने को मिला। तो ये आप देखेंगे लगभग 1 बजे के करीब हमें यहाँ पे स्पाइक देखने को मिला और स्टॉक में लगभग 352 रुपीज़ के करीब का हाई लगते हुए देखने को मिला और स्टॉक में हमें 345 रुपीज़ पर क्लोजिंग देखने को मिली और 2.54% की हमें तेज़ी देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अगर लास्ट 1 मंथ के रिटर्न की बात करें, लगभग स्टॉक में कोई हमें खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है, लगभग 2.5% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखें तो लगभग हमें 20% के हमें यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी देखते हैं किस प्रकार से। नेट सेल्स देखेंगे तो 12,828 करोड़ की हमें देखने को मिलती है, एक साल पहले 15,438 करोड़ के करीब थी। तो यहाँ से आप देखिए तो नेट सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस दोनों पर ही हमें डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा अगर देखें तो 504 करोड़ का हमें निकल के आता हुआ देखने को मिला, प्रीवियस क्वार्टर में 143 करोड़ का था, एक साल पहले 605 करोड़ का हमें एबिटा देखने को मिलता था। तो वहाँ से आप देखिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। अगर एक साल पहले से बात करें तो वहाँ से हमें ड्रॉप देखने को मिलता है, बट प्रीवियस क्वार्टर से बहुत ही ज़बरदस्त हमें कंपनी का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे, अगर इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है प्रीवियस क्वार्टर से। प्रीवियस क्वार्टर में 220 करोड़ के करीब था और अभी 187 करोड़ का इंटरेस्ट रह गया है। 206 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला था। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 130 करोड़ का और एक साल पहले 231 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता था। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिला है, जहाँ कंपनी ने 130 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था और वहाँ से 206 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। बात करी जाए तो स्टॉक में आप देखेंगे तो सिंपल एक चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सिंपली और कुछ नहीं है। सिंपली आप देखिए ऊपर की साइड में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट, फिर वापस से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, फिर स्टॉक वापस से सपोर्ट की तरफ आता है और यहाँ से वापस से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। और अभी आप देखिए तो स्टॉक कहीं ना कहीं हमें बीच में देखने को मिल रहा है, ये किसी साइड भी हमें मूव देखने को मिल सकता है, या तो ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में। और अभी अगर बात करी जाए फ्रेश खरीदारी की, तो फ्रेश खरीदारी के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर समय सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए तो अगर हो सकता है यहाँ से स्टॉक वापस से हमें नीचे आता हुआ देखने को मिले, या फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ देखने को मिले, बट बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें 30-40 रुपये का ही मोमेंटम की उम्मीद है कि ऊपर या नीचे किसी साइड भी दे सकता है। खरीदारी की बात करी जाए तो जितना ही आप सपोर्ट के करीब रहेंगे 300 रुपीज़ इस ट्रेंड लाइन के जितना करीब रहेंगे उतने स्टॉप लॉसेज आपके छोटे निकल जाएंगे। और अदानी विल्मर में आप जरूर स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करी जाए तो स्टॉक में मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, अगर स्टॉक 400 रुपीज़ के ऊपर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, तो स्टॉक में हमें अच्छे खासे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और फिर स्टॉक में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा 400 रुपीज़ के ऊपर। तो स्टॉक में मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक तेज़ी तब पकड़ेगा जब स्टॉक 400 के ऊपर निकलेगा, और अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो 300 रुपये के करीब में हमें स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिलते हैं। और अगर वीकनेस की बात करी जाए तो यहाँ पर वीकनेस होने वाली है 280 रुपीज़ के नीचे। अगर स्टॉक 280 रुपीज़ के नीचे निकलता है तो स्टॉक में हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अदानी विल्मर इतना ही सिंपल है, अगर स्टॉक 400 रुपीज़ के लेवल को निकालता है तो यहाँ से स्टॉक में हमें वापस से बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लगभग स्टॉक फिर हमें 550 रुपये का लेवल ऐसा है जो स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 500 रुपीज़ के पहले टारगेट हो सकते हैं और उसके बाद सेकंड टारगेट 550 रुपीज़ का देखने को मिलेगा, बट ये लेवल्स तब आएंगे जब स्टॉक में हमें 400 रुपये का लेवल निकलते देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।